मैंने यूं चार शादियां की हैं, चारों एक साथ मर नहीं सकती। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मैं आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा। दुनिया में बहुत सारे मंच ऐसे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन कुछ एक मंच ही ऐसे होते हैं जहां कुछ ऐसा होता है जो कहीं नहीं होता, और यही वो मंच है। यहां वो होता है जो कहीं नहीं होता, जो सब जगह होता है वो यहां नहीं होता, और दुनिया में भी जो हो रहा है वो होना नहीं चाहिए, और जो होना चाहिए वो होता नहीं है, जो होता है वो हम करते नहीं है, जो करता है वो पता नहीं क्यों करता है, और जो कर लेता है उसे पता ही नहीं कि क्यों हो रहा है, और जो हो रहा है उसे पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है, और जब दुनिया में ये पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है तो हम क्या करें समझ में नहीं आता, तब हम ये कहते हैं वाह भाई वाह। जिंदगी में आदमी को आगे बढ़ने के तरीके सीखने चाहिए। जैसे एक पति सुबह ही सुबह पत्नी उठा रहा है, जी उठो जी 8 बज गए, अभी भाई साहब थोड़े से रोमांटिक हो रहे थे, आंख नहीं खुल रही। अरे उठो 8 बज गए, आंख नहीं खुल रही। अरे उठो, अरे कोई ऐसी बात करो ना कि मेरी आंख खुल जाए। रात भर जिससे तुम चैट कर रहे थे ना, मेरी फेक आईडी है। एक सेकंड में आंख खुल गई। और पति लोग ऐसा करते हैं है? सही। अच्छा, जिस देश के बुजुर्ग इतने गुलाबी हो वहां कुछ और सोचने की आवश्यकता तो है ही नहीं। और बड़े बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं नहीं, जैसे आत्मविश्वास के साथ एक लड़के ने कहा, एक और नया फोन, हाँ 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 कब लिया? लिया जी, गर्लफ्रेंड का है। गर्लफ्रेंड का फोन तेरे पास में? दोस्त कहते फोन नहीं उठाते थे, फोन नहीं उठाते, आज मैं उठा के ले आया। तो जिंदगी में चीजें उठाई नहीं जानी चाहिए, लेकिन अगर अच्छी चीजें हो तो उन्हें छोड़ा भी नहीं जाना चाहिए। और ये वो मंच है जो आपके लिए अच्छी चीजें देता है, और अच्छी चीजों के लिए हमारे पास वो लोग हैं जो आपको कुछ ऐसा सुनाएंगे कि आप उनके लिए कहेंगे वाह भाई वाह। ये चारों ही कहीं ना कहीं वाह भाई वाह की खोज है। मैशर फैजाबादी, जिन्हें बहुत साल पहले कार्यक्रम में छुपे रुस्तम के तौर पे मैंने बुलाया था, वो हमारे बीच में आज यहाँ हैं। अशोक मिश्रा, जिन्हें बहुत वर्षों पहले कविता के कार्यक्रम में मैंने बुलाया और उन्होंने अपनी कॉमेडी से सबका दिल जीत लिया। अल्पना भारती, बिहार शरीफ से आई है, दरभंगा की रहने वाली है, और मध्य प्रदेश राजगढ़ ब्यावरा एक जगह है, उस ब्यावरा से आते कन्हैया राज हमारे बीच में। तो आइए महफिल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं उन्हें बुलाता हूं जो पता नहीं कब क्या कर बैठे। आ जाओ भाई साहब, जल्दी आ जाओ। मैशर फैजाबादी, शैलेश भाई, चार चार मिसरे मुलाजा फरमाए जी कि कर्ज लेने में मैं अव्वल हूँ समझता क्या है? अच्छा, कर्ज लेने में मैं अव्वल हूँ समझता क्या है? बैंक भी मुझसे लरज उठता है, बनिया क्या है? बैंक भी मुझसे लरज उठता है, बनिया क्या है? और मुफ्त देखो ना हसीनों को लगा कर ऐना, इश्क में पैंट उतर जाती है, चश्मा क्या है? देखिए पत्नी पीड़ित तो बहुत लोग हैं, एक हमारे दोस्त हैं लखन जी, कुछ ज्यादा ही हैं पत्नी पीड़ित। इन्होंने जब मुझसे कहा तो मैंने उनके कहा कि धीरज रखिए, बहुत लोग हैं। चार मिसरे मुलाजा फरमाए सुनाए कि तेरे नसीब में खाली जवाल थोड़ी है। जवाल मतलब पतन। तेरे नसीब में खाली जवाल थोड़ी है, तू अपने आप में मुर्गा है, दाल थोड़ी है। तेरे नसीब में खाली जवाल थोड़ी है, तू अपने आप में मुर्गा है, दाल थोड़ी है। अगर है दम तो उठा हाथ अपनी बीवी पर, ये रोज रोज का पिटना कमाल थोड़ी है। वाह, कब मैं दामन को चाक करता हूँ? चाक करना, पाव देना, चीर देना,
कब मैं दामन को चाक करता हूँ, इश्क मैं उससे खाक करता हूँ। कब मैं दामन को चाक करता हूँ, इश्क उससे मैं खाक करता हूँ। वो तो खुद ही रोज आती है खिड़की पर, मैं कहाँ ताक झाक करता हूँ। मेरा मेकअप हो रहा था, मेकअप मैन से मैंने कहा भाई जरा थोड़ा सा संभाल के कर यार, चार मिसरे वहां से मैंने निकाले मुरादा फरमाए। वो मुझसे क्या कह रहा है कि जवान खुद को बताने से कुछ नहीं होगा, जवान खुद को बताने से कुछ नहीं होगा, और बुढ़ापा अपना छुपाने से कुछ नहीं होगा, और करा लो जिस्म की तुम अपने सर्जरी महशर, रगड़ रगड़ के नहाने से कुछ नहीं होगा। आखिरी चार मिसरे मुरादा फरमाए, चाह कर भी वो कर नहीं सकती। ख्याल से सुनिएगा, इसमें बहुत काम की बात है। चाह कर भी वो कर नहीं सकती, अपनी हद से गुजर नहीं सकती। मैंने यूं चार शादियां की हैं, मैंने यूं चार शादियां की हैं, चारों एक साथ मर नहीं सकती। युवा पीढ़ी की जानकारी में आपने काफी महत्वपूर्ण वृद्धि की है, जो इन लोगों को अलग अलग रंग आपने बताए। ये पीढ़ी आपकी सदैव ऋणी रहेगी महेश्वर फैजा। और आइए बुलाते हैं अशोक मिश्रा, जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, प्रणाम करता हूँ, शुरुआत करता हूँ, जरा जोरदार तालियां। क्या बात है, ये ताली क्यों बजवाई मैंने पता है? क्योंकि भैया आज मेरे बहुत पुराने मित्र नथु राम, जो सब्जी का बिजनेस करते थे, अचानक यो-यो में मिल गए। बोला नथु भाई ये क्या? अशोक भैया कांदीवली में भाजी मार्केट में भाजी बेचता था, यू नो वेरी वेल, बट राइट नाउ आई एम ए रैपर। रैपर कि भाजी के धंधा से ज्यादा पैसा रैप में है। रैप करके न जाने कितने लोग सहनसा बन गए। मैं चला गया था यूपी अपने गांव, एक गन्ना के खेत में जाके दू को गन्ना तूड़े, और जब हम मार खाए तो तुरंत रैप निकला। तो क्या निकला कि आई एम ने ब्रेकिंग की ये दो मोटे गन्ने। मजा लो, स्टूडेंट लोग बैठे हैं घर में भी, यहां भी बुरा नहीं मानना। एक दिन देखा बस स्टॉप पे एक लड़का एक लड़की के साथ, वहां चार लाइन निकली क्या, आजकल कॉलेज में बस यही ट्रेंड है। Yo, 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 yo
सारी उसने मिलके दो लात मारी। अब जाके बैठो, नहीं है ये पारी। वो आने वाला जिसकी तैयारी, नाम है कन्हैया, दिल में उसके राज है। नाम है कन्हैया, दिल में उसके राज है। आएगा कन्हैया, गीत सुनाएगा, हम सब मिलके तालियां बजाएगा। कन्हैया राज आदरणीय शैलेश सर, एक सपना मेरा आज पूरा हुआ है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जरूर। ब्यावरा छोटी जगह से आपके बीच कुछ मुक्तक आप सुनाए। सुनाए कन्हैया, बहुत खूबसूरत सुनाए। चंपा चमेली जूही ओ कचनार लिखेंगे। हाय हाय, क्या बात है। चंपा चमेली जूही ओ कचनार लिखेंगे, फूलों के साथ साथ ही हम खार लिखेंगे। क्या बात। गालिब कबीर सूर तुलसी मीर की तरह, बस प्यार 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 प्यार, बस प्यार 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 लिखेंगे। और सर क्यों लिखेंगे। पल भर की मुलाकात कहानी से कम नहीं। हाय हाय। पल भर की मुलाकात कहानी से कम नहीं, राजा तेरा मैं और तू रानी से कम नहीं। तुझसे बिछड़ के आज मेरी आंखों से वही आंसू की बूंदे गंगा के पानी से कम नहीं। आंसू की बूंद गंगा के पानी से कम। क्या बात है, वाह कन्हैया। तुझसे बिछड़ के आज मेरी आंखों से वही आंसू की बूंद गंगा के पानी से कम नहीं। क्या बात कर रही है। एक मुक्तक और देखें सर। कैसे कहूं के आंसुओं से तर नहीं हूं मैं। अरे वाह। कैसे कहूं के आंसुओं से तर नहीं हूं मैं, तुमसे किसी भी हाल में बेहतर नहीं हूं मैं। दिल भर से बिछड़ने का गिला कैसे ना करूं, इंसान हूं कोई बेजुबा पत्थर नहीं। आए, आए। इंसान हूं कोई बेजुबा पत्थर नहीं हूं मैं। वाह वाह। सर कुछ मुक्तक और। हाँ। जिंदगी में कई तूफान लिए फिरता हूं, फिर भी होठों पे मैं मुस्कान लिए फिरता हूँ। क्या बात है। तुम उसे ढूंढो रोज मंदिर और मस्जिद में, मैं तो पलकों में ही भगवान लिए फिरता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक मुक्तक और इसी मिजाज का कि मैं तो कतरा हूँ, युवा पीढ़ी बैठी हुई है। मैं तो कतरा हूँ समंदर की प्यास रहती है, हाय हाय। बिन तेरे मेरी ये दुनिया उदास रहती है। एक अरसा हुआ है तुझसे मुझे बिछड़ हुए, अब भी लगता तू मेरे आस पास है। पास बहुत बहुत। क्या बात है कन्हैया। क्या बात है कन्हैया राज। ब्यावरा जो एक बड़ी छोटी जगह है, लेकिन वहाँ से कन्हैया राज आए हैं, तो आज मुझे लगता है पूरे ब्यावरा में खुशी का माहौल होगा जब तुम्हें देखेंगे कि हमारा बेटा यहाँ कविताएं पढ़ रहा है। मैं तुम्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, तुम्हारे कस्बे को बधाई देना चाहता हूँ।
मैं जानता हूँ जब अपने सधेवे स्वर में बहुत सरल अंदाज में गीत पढ़ेंगी तो आप कहेंगे कि भाई ये जो बिहार शरीफ की लौकी है दरभंगा में रहती है, नाम है उसका अल्पना भारती, कमाल है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। सर, दुनिया में सभी को कभी ना कभी प्यार होता है, और जब प्यार होता है तो क्या होता है ये इस गीत के माध्यम से बताते हैं। क्या बात है, एक सेंटेंस कहा अल्पना भारती ने कि दुनिया में सभी को कभी ना कभी प्यार होता है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हमेशा होता है। वो एक्सेप्शन है, उनको छोड़ दिया जाए। पहले प्यार के नाम मेरा ये गीत सुनिएगा। एक वो चेहरा बस हमको खुशियों की चाबी लगता है, एक वो चेहरा बस हमको खुशियों की चाबी लगता है। प्यार अगर हो जाए तो हर रंग गुलाबी लगता है, प्यार अगर हो जाए तो हर रंग गुलाबी लगता है। और क्या होता है देखिएगा, वो तो आप समझ ही सकते हैं। तो उनके नाम एक मुक्तक पढ़ती हूँ। टूटे स्वप्नों को पन्नों पर लिखते जाना बहुत कठिन है, छलके छलके दो नैनों पर बांध बनाना बहुत कठिन है। क्या बात है, ये क्या जाने
बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, बस जिंदगी में इसी तरह आप हमसे मिलते रहिए, हम आपसे मिलते रहेंगे और हम और आप मिलकर इसी तरह कविताएं सुनाते रहेंगे, गीत गाते रहेंगे और कहते रहेंगे वाह भाई वाह।